है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, आओ रोशनी करें, जीवन के प्रांगण से तीरगी हरे, उमंग उल्लास जोश है बहुत, आओ गज़लों से महफिल को रोशन करें। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। मैं उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। अपने सभी दर्शकों का दिल से आभार अभिव्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और स्वागत तो कर ही रही हूँ और धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि आपकी दुआएं, आपका प्यार हमें निरंतर मिल रहा है और यकीनन हमारा हौसला भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो जी, आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए जो हमारे पास चार शायर आए हैं, उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से आज इनके कद हैं, सेहत हैं, दमदार हस्ती आज हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह है इनकी गज़लें भी पूरी दमदार हैं, पूरी की पूरी इस तरह से है कि सीधे दिल से दिल तक जाएंगे। तो फिर कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं तारुफ से। तो मैं तारुफ भी सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे शायरों से आपका परिचय, यानी हमारे शायरों का परिचय आपसे होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप उन्हें उनके नाम से पहचान सकें। तो मैं शुरुआत करती हूँ तारुफ से। मेरे ठीक बगल में बाईं ओर बैठे हैं प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल जी जी, और मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा है जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुनील बरनालवी जी, और इधर कमाल साहब के ठीक बगल में बैठे हैं प्रोफेसर कृष्णकांत जी जी, और साथ ही आती हूँ इधर सुनील जी के ठीक बगल में बैठे हैं राजवीर राज जी। तो फिर हमारे चार चांद अब हमारे आंगन में उतर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आगाज से, गज़लों से, शायरी से, और मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस अंधेरे को गज़लों की रोशनी से ही हम रोशन करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का अंधेरा गज़लों से, गीतों से, नज़मों से ही दूर होता है, सकारात्मक होता है। तो शुरुआत करते हैं, गज़लों की दावत सुखन दे रही हूँ कृष्णकांत जी को, और कृष्णकांत जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, और इनका एक उपन्यास अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो चुका है, और नज़्म कहते हैं, गीत कहते हैं, कविताएं कहते हैं, और गज़ल भी कहते हैं। तो मैं दावत सुखन दे रही हूँ प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी से। जी हाँ, उनका पेन नेम यानी उनका जो राइटर का जो नाम होता है, तखल्लुस जो है, सारथी है। तो सारथी जी, आपसे आग्रह है गज़ल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी आपका। जी, गज़ल नुमा कविता आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। चंद अशआर आपकी नजर। जी, मेरी दुनिया में जो नाम एक तुम्हारा होता, मेरी दुनिया में जो नाम एक ये तुम्हारा होता, बेखबर होके मेरा खूब गुजारा होता। बहुत अच्छे। मेरी दुनिया में जो नामिक ये तुम्हारा होता, बेखबर होके मेरा खूब गुजारा होता, कश्ती साहिल ना हवाओं का सहारा होता। क्या बात है, कश्ती साहिल ना हवाओं का सहारा होता, कश्ती साहिल ना हवाओं का सहारा होता, नाम तेरे से ही इस दिल में नजारा होता। क्या बात है, वाह, तेरे एहसास के ही संग जी लेते हम तो। अरे वाह, तेरे एहसास के ही संग जी लेते हम तो, तेरी उल्फत का जो हल्का सा इशारा होता। क्या बात है, वाह, इशारा होता, गजब। तेरे एहसास के ही संग जी लेते हम तो, तेरी उल्फत का जो हल्का सा इशारा होता, ये तस्वीरें मोहब्बत ऐ सनम कुछ और ही होती। क्या बात है, यह तस्वीरें मोहब्बत ऐ सनम कुछ और ही होती, सफर में जिंदगी के गर मिला तेरा सहारा होता। क्या बात है, जिंदगी कुछ और ही होती, ये तस्वीरें मोहब्बत ऐ सनम कुछ और ही होती, सफर में जिंदगी के गर मिला तेरा सहारा होता, यकीनन यकीनन सोहनी भी सारथी मिल जाती ढूंढे से। क्या बात है, यकीनन सोहनी भी सारथी मिल जाती ढूंढे से, अगर महिवाल सा कोई यहाँ आशिक दोबारा होता। क्या बात है, अगर महिवाल सा
कोई यहाँ आशिक दोबारा होता। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत। दौरे हाजिर का शेर है आज के माहौल में, जिस तरह से ना सच्चे आशिक है ना महबूबाएं हैं, उस दौर के उस शेर से आपका तारुफ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सारथी जी। बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेरे ठीक बगल में बैठे हैं सुनील, डॉक्टर सुनील बरवालवी जी। आप बरवाला से हैं, पंचकुला के पास, और इनके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वैसे तो ये रियल स्टेट में हैं, रियल स्टेट की वजह से प्रॉपर्टी डीलर हैं और सोने के कारोबार भी करते हैं, और एक हीरा इनकी जिंदगी में आया, देखिए ना, सोने का कारोबारी और हीरा जिंदगी में आया, और बड़ी ही कम उम्र में इनको एक गज़ल से मुलाकात हुई, मोहब्बत हुई, और गज़ल से मुलाकात होने के बाद राज साहब ये गज़लकार हो गए। जी 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 जी, जी। तो गज़लों के लिए आपसे दावत सुखन आपको देती हूँ जी, स्वागत है जी। एक शेर पहले सुनाता हूँ मैं जी जी, कि खत्म गंदगी का हर निशान होना चाहिए, खत्म गंदगी का हर निशान होना चाहिए, गुरु गाय गंगा का सम्मान होना चाहिए, क्या बात है। बात, बात। और भारत के संविधान को जो मानते नहीं, भारत के संविधान को जो मानते नहीं, सजाए मौत का उनके लिए ऐलान होना चाहिए, बहुत को खत्म गंदगी का हर निशान होना चाहिए जी। भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को शुरुआत है जी, शुक्रिया, बचाने की पूरी कोशिश अपने शब्दों से, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और एक छोटी सी रचना पेश करता हूँ जी, आप छोटी नहीं, आप रचना पेश कीजिए जी। गीतों में तुझे छुपा लूं, गीतों में तुझे छुपा लूं, तुझ पे ही गजल कहूं, चाहता हूं मैं तेरी आंखों को कमल कहूं, क्या बात है, वाह। गीतों में तुझे छुपा लूं, तुझ पे ही गजल कहूं, चाहता हूं मैं तेरी आंखों को कमल कहूं, अपना समझती है मुझसे, जरा नहीं शर्माती है, क्या बात है, तुझे खबर नहीं है, तेरी अदाएं मुझे बहुत लुभाती हैं, क्या बात, वाह। उम्र भर की दुआओं का तुझे क्यों ना फल कहूं, चाहता हूं मैं तेरी आंखों को कमल कहूं, क्या बात है, कह दिया, कह दिया, चाहता क्या हूं, कह ही दिया। पावन चेहरा जो देखूं तो मंदिर की याद आती है, पावन चेहरा जो देखूं तो मंदिर की याद आती है, देख दरिया दिली तेरी समंदर की याद आती है, क्या बात है। मेरी चाहत है कि मैं तुझे गंगा का जल कहूं, गंगा का जल। गीतों में तुझे छुपा लूं, तुझ पे ही गजल कहूं, शर्मा रहे हैं फूल देखकर ताजगी तेरी, क्या बात है। सुंदरता कम ज्यादा कातिल है सादगी तेरी, वाह वाह क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया, क्या बात। सुंदरता कम ज्यादा कातिल है सादगी तेरी, जीत सका जो तेरा दिल तभी जीवन को सफल कहूं, क्या बात। गीतों में बात। तुझे छुपा लूं, तुझ पे ही गजल कहूं, क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया। और ये है गजल शायरी की, शायर ने अपनी महबूबा का कितनी खूबसूरत उपमा दी है कि तुझे गंगा जल कहूं, नई उपमा है, बेहद खूबसूरत उपमा है, गंगा जल कहना अपने आप में बहुत पवित्रता का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और आप लुत्फ ले रहे हैं गज़लों का, नज़मों का, शायरी पूरे शबाब पर है, और हम आगे शायरी की शम्मा को रोशन करते हुए आगे बढ़ाते हैं राजवीर राज जी की तरफ। जी हाँ, राजवीर राज बहुत मैं ये कहूँगी कि वो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, नक्शे बनाते हैं, लेकिन गज़लों की कारीगरी भी करते हैं, बुनते हैं, और भावों की ऐसी बिल्डिंग तैयार करते हैं कि वो एक मुकम्मल भवन यानी गज़ल की तरह, गजल जो है एक भवन की तरह सुंदर तैयार कर देते हैं। जी हाँ, दावत सुखन है हमारे शायरी के सिविल इंजीनियर को जी बहुत जी। और इनके बारे में, इनकी तारीफ में, इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं की गजल का एक शेर पेश कर रही हूँ। क्या खूब कहते हैं, कहते हैं कि नजर नजर के खेल में नजर का खम निकल गया, नजर नजर के खेल में नजर का खम निकल गया, ये दिल लगी तो कर ली पर जिगर का दम निकल गया तो अपनी गजलों से जिगर का दम निकालते हैं। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। खूबसूरत नाज़िम जब खूबसूरत लफ्जों के साथ में आमंत्रण देती है तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करता हूँ जी, स्वागत गजल पेश करता हूँ जी जी। और शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे,
तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे, सुना इस शहर के फूलों ने खुदकुशी कर ली। हाँ, 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 क्या बात है। सुना इस शहर के फूलों ने खुदकुशी कर ली। और शेर देखिए कि हमने बहुत संभाल कर, मुझे बेहद पसंद है ये शेर, आपकी नजर है सबकी, कि हमने बहुत संभाल कर रखा था फासला, हमने बहुत संभाल कर रखा था फासला, तुम रूबरू हुए तो इरादे इरादा बदल गए। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम रूबरू हुए तो इरादे बदल गए। अगर इजाजत हो तो तंजीर तरन्नुम में कहने की कोशिश करता हूँ। जिस शे पे नक्शे पा मिले, क्या बात है, तेरे ख्याल के, जिस शे पे नक्शे पा मिले तेरे ख्याल के, हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। क्या शायरी है, वाह, हमने कलेजा रख दिया, हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। और शेर पेश करता हूँ जी, बहुत बढ़िया। कि मंजिल है कातिलाना और रस्ते जवाल के। क्या बात है, वाह, जवाल के। मंजिल है कातिलाना और रस्ते जवाल के, देखो कदम बढ़ा लियो एक एक संभाल के। क्या बात है, देखो कदम बढ़ा लियो एक एक संभाल के। कमाल साहब, शेर पेश करता हूँ। इरशाद कि तुम क्या गए दो आंखें तो छलकी थी रात भर। हाँ, वाह, बहुत अच्छा मिसरा। तुम क्या गए दो आंखें तो छलकी थी रात भर, छू कर तो देख लो मेरे कोने रुमाल के। क्या नजारा है, क्या नजारा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मेरे बहुत खूब शेर, कोने रुमाल के। बस आपका रुमाल ही ले लेना हमने। तुम क्या गए दो आंखें तो छलकी थी रात भर, छू कर तो देख लो मेरे कोने रुमाल के। क्या बात है, वाह। चंदा सा हुस्न हाय सितारों सा है शवाग। क्या बात है, चंदा सा हुस्न हाय सितारों सा है शबाग, सूरज मुरीद हो गए तेरे जमाल के। क्या बात है, वाह, सूरज मुरीद हो गए तेरे जमाल के। क्या बात है। और शेर अगर हुआ है, शेर पहुंचा आप तक, तो साहब बात चाहता हूँ जी, बहुत बढ़िया। और उर्मिल जी, खास करिए शेर पेश करता हूं। हम तो शेर सुनने से पहले ही दाद दे देते हैं। जी, बेशक, हमें पता है कि कौन बढ़िया शेर आने वाला है। बेशक, मैं पेश करता हूं जी, एक अलग मिजाज का शेर है जी। कि उंगली सुलगने लग गई, अच्छा, एक बुत को क्या छुआ। बहुत अच्छा कमाल साहब, बहुत अच्छा। उंगली सुलगने लग गई एक बुत को क्या छुआ, ये कौन शोला रख गया शीशे में ढाल के। वाह वाह, क्या बुत को छूने से उंगली सुलगने लग गई, एक बुत को क्या छुआ, ये कौन शोला रख गया शीशे में ढाल के। शेर पेश करता हूँ, बहुत अच्छा शेर पेश करता हूँ आपके सामने जी, नजर है आपकी शेर। ये कौन शोला रख गया शीशे में ढाल के। क्या बात है। पलकें झुकी तो मिल गया जालिम हसी जवाब। क्या बात है, वाह। कि पलकें झुकी तो मिल गया जालिम हसी जवाब,
टुकड़े बिखर के सो गए जिसमें सवाल के, क्या बात है, टुकड़े बिखर के सो गए जिसमें सवाल के। मक्ता पेश करता हूं। जी, जी, स्वागत है। एक रात ढल रही उधर जलवे समेट कर, एक रात ढल रही उधर जलवे समेट कर, एक राज मर रहा इधर हाय हाय मारे विशाल के, क्या बात है। हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने हमें नजर की, एक शेर नजर किया, जी जी। तो हम भी वादा करते हैं बाहर जा आपकी नजर उतार देंगे काजल से। क्या बात है। एहसान चुकता कर देंगे। क्या बात है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत। जी जी। और अब हम आते हैं, मेरे ठीक बगल में कमाल सेठी जी बैठे हैं, और प्रोफेसर कमाल, आरपी सेठी कमाल जी बहुत अच्छा कहते हैं, उर्दू हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं, और बड़े बड़े मंचों पर आपने पढ़ा है, और उस्ताद शायर हैं, सभी के साथ आपने जो मंच है साझा किए हैं। और एक बात और खास कहना चाहती हूँ, फराज साहब के साथ भी इन्होंने मंच साझा किए हुए हैं, तो इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है, हम उनका दिल से आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। और दावत के सुखन देने से पहले कमाल साहब का ही एक शेर उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं को समर्पित करते हैं दावत सुखन के लिए। तो क्या खास कहते हैं, क्या मतलब, क्या अंदाज में कहते हैं, कहते हैं कि काश इतना कमाल कर जाऊं, काश इतना कमाल कर जाऊं, उसको आंखों में भर के मर जाऊं, उसको आंखों में भर के मर जाऊं, काश ऐसा कमाल कर जाऊं। तो कमाल साहब को दावत सुखन देती हूं। जी कमाल, बहुत खूब, स्वागत है। जी शुक्रिया। जी इशाद सर, मेरे अल्फाज कराते हैं तारुफ मेरा, मेरे अल्फाज कराते हैं तारुफ मेरा, मैं होठों से नहीं अपने हुनर से बोलता हूँ। क्या बात है, वाह। मैं होठों से नहीं अपने हुनर से बोलता हूँ। और एक शेर आपकी नजर है। जी, जी। आप भी नजर कर दीजिए। आपकी भी नजर उतारेंगे। जी। जिस्म क्या था किसी महके से तखयुल जैसा, क्या बात है। जिस्म क्या था किसी महके से तखयुल जैसा, मीर के शेरों में एक पुरखा, मीर के शेरों में एक पुख्ता बहर जैसा था, मीर के शेरों में एक पुख्ता बहर जैसा था, और ये मेरा दिल जो अब ख्वाबों की कब्रगाह सा है, क्या दर्द भी है। ये मेरा दिल जो अब ख्वाबों की कब्रगाह सा है, वो यहाँ थे तो ये फूलों के शहर जैसा था। बहुत गहरा दर्द है। किस है? आपके रूबरू एक गजल पेश करता हूँ। स्वागत है। इश्क जब आई पे अपनी आ गया, इश्क जब आई पे अपनी आ गया, इश्क जब आई पे अपनी आ गया, आसमानों को पसीना आ गया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया। क्या मतलब है सर? आसमानों को पसीना आ गया, और आपने सोने की बात की थी किसी, आज भी जिंदा है कुछ कच्चे घड़े। क्या जवाब दिया है। आज भी जिंदा है कुछ कच्चे घड़े, देखकर दरिया का दिल घबरा गया। दरिया का दिल घबरा गया, देखकर दरिया का दिल घबरा गया। कितना नाजुक शेर है। और फाख्ता जब बाज से टकरा गई, फाख्ता छोटी सी चिड़िया जब बाज से टकरा गई, अर्श के मुंह पे नो चरख के मुंह पे, आसमान के चरख के मुंह पर धुआं सा छा गया। अरे वाह। और दिल के करघे पे वो बुत, दिल के करघे पे वो बुत बनकर कबीर, क्या बात है। उलझा सा रेशम मेरा सुलझा गया, उलझा सा रेशम, उलझा सा रेशम मेरा सुलझा गया, क्या बात है।
और सर्द हालातों ने जब घेरा मुझे जी, क्या बात है, सर्द हालातों ने जब घेरा मुझे, यादों का कंबल मुझे गर्मा गया, यादों का कंबल मुझे गर्मा गया, कातिल शेर है, और दीद के काबिल था जी, दीद के काबिल था मरने का जुनून, दीद के काबिल था मरने का जुनून, इश्क को मक्तल में जब भेजा गया, इश्क को मक्तल में जब भेजा गया, और खूबियां आने लगी उसकी नजर, खूबियां आने लगी उसकी नजर, क्या बात है, जब किसी को देर तक सोचा गया, जब किसी को देर तक सोचा गया और मक्ता पेश करता हूँ, स्वागत है, तू गया क्या दोस्त मुझको छोड़कर, तू गया क्या दोस्त मुझको छोड़कर, मेरी कुल हस्ती का सरमाया गया, क्या बात है मेरी कुल हस्ती का सरमाया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब शायरी की शम्मा रोशन है, गज़लों का दौर पूरा उम्दा है शायरी, और करते हैं गज़लों की शुरुआत फिर से ब्रेक के बाद। और ये देखिए ना, हमारे शायर भी तैयार हैं बिल्कुल पूरे जज्बे के साथ, हौसले के साथ, मस्ती में। जी हाँ, फिर से दावत सुखन दे रही हूँ कृष्ण सारथी जी को। बहुत शुक्रिया सखी जी। जी आपकी इजाज़त से एक मुकम्मल गज़ल स्वागत सामने पेश करना जी, स्वागत है। ध्यान दीजिएगा मतले पर जी। कहीं कोई थिरकता है, अच्छा, कहीं कोई थिरकता है कहीं कोई मचलता है, कहीं कोई थिरकता है, कहीं कोई मचलता है, कहीं पर मोर नाचे है, कहीं कोई थिरकता है, कहीं कोई मचलता है, कहीं पर मोर नाचे है, कहीं हलधर सिसकता है, हलधर से सकता है किसान, किसान की बात है, बहुत। कहीं कोई थिरकता है, कहीं कोई मचलता है, कहीं पर मोर नाचे है, कहीं हलधर से सकता है, कहीं बादल गरजता है, कहीं बादल गरजता है, तो फिर ये मन मचलता है, कहीं बादल गरजता है तो फिर ये मन मचलता है, तेरी याद आने पर इन आंखों में सागर उमड़ता है, क्या बात है, वाह वाह, तेरी याद आने पर इन आंखों में सागर उमड़ता है, कोई नजरों में बसता है, क्या बात है, कोई नजरों में बसता है, कोई नजरों में गिरता है, क्या बात है, वाह, कोई नजरों में बसता है, कोई नजरों में गिरता है, वही बस याद रहता है कि जो दिल में खटकता है, क्या बात है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई, वही बस याद रहता है कि जो दिल में खटकता है, ये जो घूंघट में मुखड़ा है, ये जो घूंघट में मुखड़ा है लगे चंदा छुपा सा है, क्या बात है, वाह वाह, छुपा सा, ये जो घूंघट में मुखड़ा है, लगे चंदा छुपा सा है, कि इस छुपा छुपाई में मेरा दिल और तड़पता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जो घूंघट में मुखड़ा है, लगे चंदा छुपा सा है, कि इस छुपा छुपाई में मेरा दिल और तड़पता है, और तड़पता, क्या बात है, मक्ते की ओर ध्यान दीजिए जी। कहीं मेले झमेले तो कहीं खुशियां भी इठलाए, क्या बात है, कहीं मेले झमेले तो कहीं खुशियां भी इठलाए, वाह, कहीं मेले झमेले तो कहीं खुशियां भी इठलाए, गजब है जिंदगी जिसको, गजब है जिंदगी जिसको कोई बिरला समझता है, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत, वाह बहुत कमाल, और वाकई जिंदगी को तो बिरला है। और अब हम एक बिरले शायर की ओर आते हैं जो जिंदगी को बहुत बारीकी से समझता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर सुनील बरनालवी जी की। दावत सुखन देती हूँ फिर से, और उन्हीं के अंदाज में कहती हूँ, उन्हीं के शेर से,
हुआ मेरे जज्बात का अगर कत्ल ना होता। राज साहब जी, जी। हुआ मेरे जज्बात का अगर कत्ल ना होता तो कह रहा था मैं, तो कह रहा था मैं आज फिर ये गजल ना होता। गजल ना होता मतलब जो आज गजल कह रहे जी, हैं जी, जी, जी। उन्हीं की बदौलत है। क्या बात, क्या बात है भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी। मैं छोटी छोटी चार चार पंक्तियों की दो जी जी आपकी गजलें आपकी मर्जी, स्वागत है। चार लाइनें स्वागत जी जी। हर कहीं सच्चाई की सौगात लिए फिरता हूँ। क्या बात है। हर कहीं सच्चाई की सौगात लिए फिरता हूँ, मौत को भी जिंदगी के साथ लिए फिरता हूँ। क्या बात है। वो बात जिससे नफरत है सारे जहान को, वो बात जिससे नफरत है सारे जहान को, मोहब्बत की मैं वही एक बात लिए फिरता हूँ। क्या बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा है जी, बड़ा दुश्वार है ये उल्फत का सफर जानता हूँ। अच्छा। बड़ा दुश्वार है ये उल्फत का सफर जानता हूँ, टूट जाता है इसमें हर बशर जानता हूँ। बहुत। और उभरती हैं अक्सर मेरे जख्मों से गजलें, उभरती हैं अक्सर मेरे जख्मों से गजलें, दर्द में भी मुस्कुराने का हुनर बहुत जानता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या बात है। और जी, और आगे है कि इसमें इसी में है जी अगले वाला जी। नफरत को भी प्रेम की अनमोल निशानी दीजिए। अच्छा जी। नफरत को भी प्रेम की अनमोल निशानी दीजिए, दुश्मन भी अगर प्यासा है उसको भी पानी दीजिए, और पैदा कहीं भी करना ए परवर विगार मुझको, तहजीब लेकिन हर जन्म मुझे हिंदुस्तानी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नफरत को भी प्रेम की अनमोल निशानी दीजिए, दुश्मन भी अगर प्यासा है उसको भी पानी दीजिए, और पैदा कहीं भी करना ए परवर दिगार मुझको, तहजीब लेकिन हर जन्म मुझे हिंदुस्तानी दीजिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जिस तरह भी चाहो मुझे आजमा कर देख लो, तुम जिस तरह भी चाहो मुझे आजमा कर देख लो, हंसता हुआ ही पाओगे चाहे रुला कर देख लो। क्या बात है, क्या बात। घर आऊं मैं तुम्हारे बेशक पानी भी न पूछना, घर आऊं मैं तुम्हारे बेशक पानी भी न पूछना, पर मेरी ये चाहत रहेगी कि मुस्कुरा कर देख लो। सुनील जी, मुझे आपकी शायरी से कतिल शिफाई साहब का एक शेर याद आता है जी, कि जी, मैं अभी दावत सुखन आगे बढ़ाती हूँ लेकिन एक शेर के साथ आपकी बात का जवाब देती हूँ। कतिल शिफाई साहब ने कहा है कि तू मिला तो ये एहसास हुआ मुझको, तू मिला तो ये एहसास हुआ मुझको, मेरी ये उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, मेरी ये उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। दोस्तों अभी हमारा मुशायरा भी थोड़ा जरूरी है जी। हाँ, दावत सुखन देती हूँ जी। राजवीर जी, जी आपकी इजाजत जी, नहीं जैसी आपकी मर्जी जी जी स्वागत है। ये दुनिया जिन पर लुटाए हुए, ये दुनिया ही जिन पर लुटाए हुए, न जाने वो क्यों खार खाए हुए हैं, ये दुनिया ही जिन पर लुटाए हुए। और शेर नजर आपकी जी, जी। यूं बाजू दिखाना मुनासिब न होगा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, यूं बाजू दिखाना वो पंछी उड़ानों से थकते नहीं। बहुत अच्छा मिश्रण। जो आंखों में सपने समाए हुए हैं, वो पंछी उड़ानों से थकते नहीं है, जो आंखों में अरमा बसाए हुए हैं। और शेर खास तौर से नजर करता हूँ कि भंवर में डुबाने के माहिर से बचना। क्या बात है, वाह। वो साहिल पे ही घर बनाए हुए हैं, भंवर में डुबाने के
ये सूरज भी उनको न रोशन करेगा, जो खुद दिल में दीपक बुझाए हुए हैं, जो खुद दिल में दीपक बुझाए हुए हैं। और मत्ता पेश करता हूँ जी, जी। कि वो रस्ते जो खारों गुलों से है रोशन, कमाल साहब जी जी फरमाइए, वो रस्ते जो खारों गुलों से है रोशन, वो रस्ते तो खुशबू में नहाए हुए हैं, क्या बात है, ये दुनिया जहां खार है वहीं पर लुटाए हुए, क्या बात है, बहुत अच्छा, न जाने वो क्यों खार खाए, बहुत जी। और ये शायरी की शब्बा थोड़ा इधर ले आती हूँ, बिल्कुल कमाल साहब के सामने रखते हैं अपने जज्बात और दावत सखन देते हैं जी कमाल साहब। एक मौसम ही तो बदला था जी। क्या बात है? एक मौसम ही तो बदला था कि खुदगर्जी से फूल पत्तों ने दरख्तों का साथ छोड़ दिया। एक मौसम ही तो बदला था कि खुदगर्जी से फूल पत्तों ने दरख्तों का साथ छोड़ दिया, और वक्त ने ही तो जरा सी कोई करवट ली थी, वक्त ने ही तो जरा सी कोई करवट ली थी, तुमने क्या सोच के क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया। बहुत नाजुक, बहुत। एक शेर आपकी नजर है जी, किन की नजर है आप सबकी जी 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 मेरे अल्लाह जी जी, ये किस नजाकत से मेरे अल्लाह, ये किस नजाकत से मुझसे उस शोख ने हिजाब किया, क्या बात, पर्दा किया, शोख ने हिजाब किया। और ये दो मिसरे तवज्जो देने लायक है, जी, जी। मेरे अल्लाह ये किस नजाकत से मुझसे उस शोख ने हिजाब किया, और मेरी आंखों पे रख के हाथ उसने अपने चेहरे को बेनकाब किया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के दो चार शेर पढ़ देता हूँ जी, जल्दी ही। है वक्त का तकाजा कोई ऐसी गजल लिख दे, है वक्त का तकाजा कोई ऐसी गजल लिख दे, जो गुनगुनाए नस्लें वो रस्म अमल लिख दे, जो गुनगुनाए नस्लें वो रस्म अमल लिख दे, और मौजू की विषय की सब्जेक्ट की कमी क्या है, मौजू की कमी क्या है, जब लिखने की ठानी है, मौजू की कमी क्या है, जब लिखने की ठानी है, चेहरे नहीं मिलते हैं तो मुखौटों पे गजल लिख दे, क्या बात, क्या बात, चेहरे नहीं मिलते तो मुखौटों पे गजल लिख दे, और अगर और कुछ नहीं तो ये ए साहिबे हुकमरान सरकार के लिए, अगर और कुछ नहीं तो ए साहिबे हुकमरान आवाम के माथे पे अल्लाह का फजल लिख दे, क्या बात है, आवाम के माथे पे अल्लाह का, आवाम के माथे पे कोई अच्छा सा कल लिख दे, कल आवाम के माथे पे कोई अच्छा सा कल लिख दे, और मजदूर जो बैठा है टूटा हुआ बिखरा सा, मजदूर जो बैठा है टूटा हुआ बिखरा सा, पेशानी पे तू उसकी अल्लाह का फजल लिख दे, पेशानी पे तू उसकी अल्लाह का फजल लिख दे, और जो मेरे सिवा कोई भी पढ़ पाए ना आलम में, जो मेरे सिवा कोई भी पढ़ पाए ना आलम में, तू चेहरे पे वो अपने, तू चेहरे पे वो अपने खामोश गजल लिख दे, तू चेहरे पे वो अपने खामोश गजल लिख दे। दो अशार और हैं जी। है वक्त मुझे लगता मुट्ठी से फिसलता सा, है वक्त मुझे लगता मुट्ठी से फिसलता सा, जो कुछ तुझे लिखना है वो आज या कल लिख दे, क्या बात, वो आज या कल लिख दे। बहुत खूब। और ये सेटायर है कटाक्ष जी। मैंने जो कहा गुर्बत का, मैंने जो कहा गुर्बत का गरीबी का,
कोई तो हल लिख दे। मैंने जो कहा गुरबत का कोई तो हल लिख दे, वो बोले घर पे अपने तू ताजमहल लिख दे। क्या बात, वो बोले के घर पे तू ताज अपने तू ताजमहल लिख दे। और इसका मकता है ये ये है एक शायर का जो उसे कहना चाहिए जी। अस्मत पे खराश आई, औरत की इज्जत का मैं हमेशा बड़ा हकदार रहा हूँ, उसका तरफदार रहा हूँ। अस्मत पे खराश आई तो जर्ब करूंगा मैं, चोट करूंगा तो जर्ब करूंगा मैं। अगर बात गलत होगी तो दूंगा दखल लिख दे। बात गलत होगी तो दूंगा दखल लिख दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी खूबसूरत मोहब्बत भरी समातों के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ जिनकी निजामत और जिनकी शख्सियत में ये तलाश करना मुश्किल हो जाता है, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसीलिए इतना ही कहूँगा कि मेरे अल्लाह क्या कयामत है, मेरे अल्लाह क्या कयामत है, वो गजल हो के शेर लिखती है। क्या बात है, वो गजल हो के शेर लिखती है। उर्मिल जी के लिए इतने प्यार और मोहब्बत के साथ मेरा तारुफ कराने के लिए बेहद शुक्रिया कमाल साहब। और बड़ी हल्की फुल्की सी कविता है, गजल नुमा कविता है, रात ही को ये कविता हुई है, किसी खास के लिए कही गई है, उन तक पहुंच जाएगी टीवी के माध्यम से। जी आपके लिए नहीं है, आप बेवजह मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं फीलिंग ले रहा हूं। मैं शक दूर कर दूं। मैं फीलिंग ले रहा हूं। जी ले लीजिए। जी तुमसे बहुत प्यार किया है मैंने, राज साहब। जी तुमसे बहुत प्यार किया है मैंने, यही बस एक काम किया है मैंने। अरे वाह, तू जिस्म है कहीं भी जाकर रह ले, तू जिस्म है कहीं भी जाके रह ले, तेरी रूह पर इख्तियार किया है मैंने। तू जिस्म है कहीं भी जाके रह ले, तेरी रूह पर इख्तियार किया है मैंने। और सुनील जी ध्यान चाहती हूँ, तेरे सिवा ना आ सकेगा कोई इसमें, तेरे सिवा ना आ सकेगा कोई इसमें, अपने दिल को अब हिसार किया है मैंने। हिसार मतलब किलाबंदी। जी हाँ, तेरे सिवा ना आ सकेगा कोई इसमें, अपने दिल को अब हिसार किया है मैंने। और बदलते दौर का रंग ना चढ़ेगा मुझ पर, बदलते दौर का रंग ना चढ़ेगा मुझ पर, कम सिन उम्र में प्यार किया है मैंने। बड़ी कम सिन उम्र में प्यार किया है मैंने। और देखिए, तू कहीं भी जा सारथी जी, तू कहीं भी जा आखिर लौट ही आएगा, तू कहीं भी जा आखिर लौट ही आएगा, तुझ पे इतना एतबार किया है मैंने, तुझ पे इतना एतबार किया है मैंने। और देखिए कमाल साहब, नस्तरे दगा अब कोई चुभा ना सकेगा, नस्तरे दगा मुझे कोई अब चुभा ना सकेगा, खुद को ही अब खार कर लिया है मैंने। और थोड़ा सा आखिरी बंद है कि आंसुओं के बियाबा में और ना भटक सकी, आंसुओं के बियाबा में जंगल में अब और ना भटक सकी, खुद को बहुत तार तार किया है मैंने, खुद को बहुत तार तार किया है मैंने, बहुत खूब बहुत खूब इख्तियार किया है मैंने, एतबार किया है मैंने, हिसार किया है मैंने। जी हाँ, और तुमसे बहुत प्यार किया है मैंने। दोस्तों, आपने आज महफिल का पूरा लुत्फ लिया है। और सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे चार चांद हमारे आंगन में हैं, राज साहब हैं, सुनील जी हैं, कमाल साहब हैं, सारथी जी हैं, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर महफिल को चार चांद लगाए हैं, शुक्रिया। और साथ ही अपने दोस्तों यानी अपने दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर मिल रही हैं। और कोई भी सुझाव या कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो हमें info@justbroadcasting.com पे संपर्क कर सकते हैं। और अब दीजिए सखी को इजाज़त, क्योंकि फिर लौटना है एक और महफिल लेकर।
आप सभी का हम भी धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी टीम की ओर से, सभी शायरों की ओर से आप सभी का भी धन्यवाद।